बच्चों घुमाने का ख्याल मन में आते ही आपको म्यूजियम या फिर चिड़ियाघर जैसी जगहों के बारे में सोचता है। आज हम आपको बच्चों को घुमाने के लिए एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विदेशों के खूबसूरत शहर में से एक सिंगापुर में बने चिड़ियाघर की। इस चिड़ियाघर की खासियत यह है कि यहाँ पर जानवरों को बाग में या पिंजरे में रखने की बजाय उन्हें खुला छोड़ा जाता है। आइए जानते हैं इस विस्तृत चिड़ियाघर के बारे में। सिंगापुर चिड़ियाघर इसो पंजून को देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। इस जून में जानवरों को अंदर बंद करके नहीं बल्कि खुला रखा जाता है। यहाँ पर पिंजरे की बजाय जानवरों के चारों तरफ गड्ढे बनाकर उन्हें सूखा या पानी से भर दिया जाता है। जुरुम चिड़ियाघर सिंगापुर के इस जून में शायद ही कोई ऐसा पक्षी होगा जिसे आप इस जून में न देख पाए। यहाँ पर आप 7500 से ज्यादा पक्षी देख सकते हैं और कुछ पक्षियों की तो यहाँ पर 810 प्रजातियाँ मौजूद है। नाइट सफारी 45 हेक्टेयर तक फैले इस चिड़ियाघर में आप नाइट सफारी का भी मजा ले सकते हैं। इस जून को नेचर के 8 भागों में बांटा गया है। रात के समय खुला रहने वाले इस जून में ट्रैम की सुविधा के साथ साथ गाइड भी उपलब्ध रहता है। मिंग विलेज इस जून में बने इस छोटे से गांव में आप हाथों से बना चीजों को देख सकते हैं। ये खूबसूरत हस्तशिल्प आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर लोग चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह पर भी नक्काशी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।